मित्रों सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल गौ माता को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। निश्चित रूप से उसका जीवन भी सुधर जाता है। ईश्वर ने कृपा करके हमको पात्र रूप में चुना कि हम सही समय पर आकर के सत्संग में बैठ पा रहे हैं। इस पात्रता के लिए परमात्मा को धन्यवाद अर्पित करते हुए कि हे नाथ तेरी कृपा है कि हमें दुनिया के जंजाल से निकाल करके, क्योंकि जहां सारी दुनिया धन दौलत सोना चांदी और विषय वासना के पीछे व्याकुल हो रही है, पागल हो रही है, ऐसी परिस्थिति में भी अगर परमात्मा हमें यहां बैठा रहे तो हमें पात्र बनाया उस लिए परमात्मा की कृपा मानते हुए हम परमात्मा को धन्यवाद दे कि हे नाथ तेरी निराली कृपा हम पर है कि तूने हमको ये सोने जैसा अवसर प्रदान किया है। सत्संग में भी गौ कथा दुनिया की सबसे निराली कथा जो मिटाती है निश्चित रूप से प्राणियों की सकल व्यथा, एक दो नहीं तीन नहीं संपूर्ण व्यथाओं को मिटाने का काम भगवती गौ माता करती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे आनंद मिले, मेरे ख्याल से आप लोग भी चाहते ही होंगे, चाहते हैं। आनंद और सुख दो चीजें हैं मेरे भाई बहनों, समझना इस विषय को थोड़ा सा अच्छे से। सुख और आनंद दो अलग अलग चीजें हैं। जो लोग नहीं समझते, जो लोग नहीं जानते, वो सुख और आनंद को एक समझ बैठते हैं। सुख जानवर को भी मिलता है लेकिन आनंद सिर्फ इंसान को मिलता है। भूखी भैंस को चारा डाल दो वो सुखी हो जाएगी, दुखी होकर के वो चिल्लाएगी, जैसे आप भूखी भैंस को चारा डालोगे वो तुरंत सुखी हो जाती है लेकिन वो आनंदित नहीं हो सकती। आनंद सिर्फ ईश्वर के हिस्से में आया है। अब आप कहोगे कि आनंद और सुख का अंतर कैसे पता चलेगा? सुख थोड़ी देर के लिए आता है, आनंद लंबे काल के लिए आता है। और आनंद जब अंतर में आता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा हो जाती है। ये मुस्कुराहट परमात्मा ने सिर्फ मनुष्य को दी है। 84 लाख प्रकार के कुल जीव हैं जगत में, कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े, तैरने वाले उड़ने वाले रेंगने वाले चलने वाले नभचर जलचर थलचर उभयचर, लेकिन परमात्मा ने इंसान के अलावा किसी को भी मुस्कुराना नहीं सिखाया। बोलिए आपने कभी किसी गधे को मुस्कुराते हुए देखा? नहीं देखा। और किसी दिन कोई गधा मुस्कुराता हुआ मिल जाए तो समझ लेना ये गधा इंसान बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। और कोई इंसान 24 ही घंटा मुंह लटका के बैठे तो फिर क्या समझना चाहिए? समझ गए आप लोग, स्माइल इज वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। बिना मुस्कुराहट के मानव मानव नहीं कहला सकता। आज जिधर देखो उधर उदास चेहरे हैं, कथा में भी बैठा है माथों पकड़। अरे जब हम ईश्वर के दरबार में भी मौज नहीं है तो बाकी जीवन कैसा होगा? ये मुस्कुराहट जो है ये परमात्मा का अनमोल खजाना हम इंसानों को मिला है, जो हम लोगों को जानवर से अलग कर देता है। भाई हमें उनमें और जानवरों में फर्क क्या है? हम लोग रोटी खाते हैं, भैंस भी खास खाती है, हम लोग स्नान करते हैं, भैंस भी नहाती है, हम लोग गीत गाते हैं, कोयल भी गाती है, हम लोग नाचते हैं, मोर भी नाचता है। ये सारा काम जानवर कर रहे हैं। इंसान को परमात्मा ने सिर्फ मुस्कुराहट अतिरिक्त दी है, एक्स्ट्रा दी है, ज्यादा दी है। ये जिस दिन खो जाए उस दिन समझना कि हमारे में मानवता कम पड़ गई है। सिर्फ शरीर इंसान का है, वस्तुतः हमें इंसान जैसा गुण मूल गुण खत्म हो गया है। तो चलो एक बार नकली मुस्कुरा दो, शुरुआत तो करो। प्रश्न उठता है ये मुस्कुराहट आएगी कहां से? उत्तर वही, अंदर आनंद होगा तो मुस्कुराहट आएगी। ये आनंद है क्या? आनंद ईश्वर का रूप है, ईश्वर को सचिदानंद कहा है। सत चित आनंद स्वरूप ही ईश्वर है।
सरलता से समझिए। अपने घर में बच्चा जन्म लेता है, क्या कहते हैं, छोरो हो गयो, बेटो हो गयो, भाई हो गयो, टावर जन्म गयो, टिंगर जन्म गयो, यही बोले कि को नहीं बोले, बोले। लेकिन अयोध्या में जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया तो किसी ने ये नहीं कहा कि दशरथ जी के बेटा हो गया, सबने एक ईश्वर में कहा अवध में आनंद भयो। नंद बाबा के यहां जब भगवान श्री कृष्ण पधारे, किसी ने ये नहीं कहा कि नंद बाबा के बेटा हो गया, सबने क्या कहा, नंद के, अरे जोर से बोलो, नंद के आनंद भयो। आनंद यानी ईश्वर आए। तो सीधी सीधी सी बात है मेरे भाई बहनों कि जब ईश्वर करीब होते हैं तब हमारे जीवन में आनंद होता है, और जीवन में आनंद होता है तो होठों पर मुस्कुराहट अपने आप आती है। मुस्कुराहट कोई बाजार में मिलने वाली चीज को नहीं भाई जी, अगर मिलती हो तो 2-5 हजार रुपया हमारा सुबह ले जाओ, पावा तो किलो मारे भी लाओ। जब ईश्वर करीब होंगे तभी हृदय में आनंद होगा, और आनंद होगा तो ही मुस्कुराहट पैदा होगी।